हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव इंजीनियर रोहित कुमार। गाइस, इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलने वाला है ये प्लान, देख सकते हो। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, इसका साइज 22 फीट बाई 45 फीट है। गाइस, इस वीडियो के बारे में, इस प्लान के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल बताने वाला हूँ। इससे पहले, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी वीडियो वॉच कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रोड है, यहाँ से आपका जो मेन गेट, मेन एंट्री रहेगी, ये 8 फीट का यहाँ पे गेट दिया गया है। यहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे अपने पार्किंग एरिया, यानी ये गाड़ी पार्क कर सकते हैं, फोर व्हीलर, टू व्हीलर जो भी, और ये इसको एज अ हॉल भी यूज में ले सकते हैं। गाइस, ये सीधा एरिया आपको चला जाता है किचन एंड लॉबी में, ये एंट्री हो जाती है। यहीं से आप एंट्री कर सकते हैं अपने गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम का साइज आपका 10 फुट 1.5 इंच बाई 10 फुट का है गाइस। और यहीं से इस गेस्ट रूम के लिए लाइट वाल की व्यवस्था है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लाइट वाल कमांड है, जिसमें आपका साइज है जिसका 5 फुट बाई 6 फुट का गाइस। यहीं पे आप देखने को मिलता है स्टेयरकेस है, ये यहाँ से स्टेयरकेस, आउटर स्टेयरकेस बोल सकते हैं इसको, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 3 फीट का लैंडिंग देते हुए यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। गाइस, यहाँ पे ये आपको वेंटिलेशन के स्टेयरकेस के वेंटिलेशन के लिए 3 फीट का यहाँ पे विंडो या ग्लास विंडो प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ये जो गेट है स्टेयरकेस के पास में, ये गेस्ट रूम का गेट है और एसी के साथ में 3 फीट का विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। गाइस, और सेकंड इसका गेट जो आपके लॉबी एंड हॉल में, लॉबी एंड किचन में जो जाता है, वो गेट आप देख सकते हैं D1। इसकी डिटेल सारी पास में लिखी हुई है, ये D1 DW क्या है, ये गेट है D और D मीन्स डोर, W मीन्स विंडो, तो आप इससे कंफ्यूजन ना हो। और ये देख सकते हैं आपको ये डोर के साथ ही अटैच्ड विंडो देखने को मिलता है। आप किचन एंड लॉबी में पहुंचने पर आप देख सकते हैं इसका कम्बाइंड साइज, ये गाइस यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 20 फीट 6 इंच बाई 9 फुट का ये है पूरा, यहाँ पे 21 फुट टाइप हो रहा है। इसको मैं एडिट कर दूंगा। बाकी गाइस, ये देख सकते हैं ये आपका जो है किचन है, पूरा ओपन किचन है, और इसमें यहाँ पे विंडो W2 प्रोवाइड की गई है। आगे जाने पर आपको ये स्टोर मिलता है, जिसका साइज 5 फुट 7.5 इंच बाई 6 फुट का है, जो कि आपको बाथरूम से एक्सेस, वो सॉरी किचन से एक्सेस करने को मिल जाता है। इसी के आगे एक बेडरूम आपको देखने को मिलता होगा, यहाँ से एंट्री है D1 से। इस बेडरूम का साइज 10 फुट बाई 11 फुट है। इसे यहाँ पे सेकेंड जो डोर मिलता है आपको, इसके साथ में अटैच्ड विंडो है 3 फुट का, और ये साफ्ट में एक्सेस करने को मिलता है यहाँ से। पर साफ्ट का साइज है आपका 4 फुट 9 इंच बाई 6 फुट। यहाँ से आप साफ्ट के थ्रू अपने लेट बाथ में भी जा सकते हैं। गाइस, सेकंड बेडरूम आपका जो है D1 यहाँ से ओपन होता है। इसमें हमने आपको 6 फुट का यहाँ पे विंडो दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे लोगों में बैठने पर बहुत अच्छे यहाँ से तरह से दिखाई देगा। गाइस, ये बेडरूम का साइज आपका 10 फुट 1.5 इंच बाई 11 फुट है। यहाँ से आप अपने साफ्ट के थ्रू लैट्रिन बाथरूम को एक्सेस कर पाएंगे। ये कमांड है गाइस, इसकी पूरी डिटेल आपको D1 3 फुट 2.7 फुट है, D2 2 फुट 6 इंच बाई 6 फुट का है, W1 6 फुट बाई 4 फुट का है। इस तरह से यह पूरा यहाँ से स्टेयर केस का डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे चौड़ाई 3 फुट है, थ्रेड है वो 10 इंची है, राइजर है वो 7 इंच है, लैंडिंग इसकी 3 फुट बाई 6 फुट की है। ऐसे इसी प्रकार से यहाँ पे पूरा प्लॉट का साइज वगैरह सारा मेंशन है। गाइस, अगर आपको भी अपना प्लॉट वगैरह कोई डिजाइन करवानी है, बिल्डिंग अपनी डिजाइन करवानी है, प्लानिंग वगैरह कुछ भी करवाना है जिससे रिलेटेड,
आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, इस पे या ईमेल आईडी पर मैसेज कीजिए, अपने प्लॉट का साइज बताइए, हम उस पे भी जरूर वीडियो बना के लाऊंगा। और कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, वॉच दिस वीडियो।